नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इनसाइडर लाइव में और मैं हूं आपके साथ ज्योति शर्मा। रोहिणी आचार्य ने राहुल गांधी के सांसदी जाने पर अपने पिता लालू प्रसाद की बात कही थी। भाजपा का चाल चलन पापा सब समझते थे, इसलिए तो 2013 में इन्होंने इस अध्यादेश का विरोध किया था। उन्हें पहले से ही अनुभूति थी कि अगर भूल से भी भाजपा सत्ता में आ गई तो इसी अध्यादेश के बल पर देश के लोकतंत्र को कुचला करेगी, और आज वही हुआ। राहुल गांधी जी नासमझी के शिकार हो गए और जाने अनजाने में ही ऐसी गलती कर बैठे जिसकी सजा आज देश के विपक्षी पार्टी के नेताओं को झूठे केस मुकदमों की जाल में उलझकर अपनी सदस्यता गंवानी पड़ रही है। और अब इसी कड़ी में केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि राहुल गांधी को लालू प्रसाद यादव का श्राप लगा है। जब चारा घोटाले में आदेश आने पर लालू यादव की सदस्यता जाने वाली थी तो राहुल गांधी ने इससे राहत देने वाला अध्यादेश फाड़ दिया था। अब लालू के श्राप के कारण ही राहुल कोर्ट से दोषी साबित होते ही सांसदी गई है। अध्यादेश आया था कि जब समय अवधि तब अपील आप कर सकते हैं, लेकिन ये तो अध्यादेश को ही फाड़ दिया। और उसी समय किसी ने कहा मुझे कि लालू जी ने उसी समय श्राप दिया था कि तुम मेरे साथ किए हो, तुम भी कभी भुगतोगे। आज लालू जी का श्राप उनको लगा है। कानून से अपने को ऊपर समझने का जो उनके मन में अहंकार है वो उनके ऊपर हुआ है, किसी ने नहीं कहा। कई लोगों के ऊपर मानहानि का हुआ है। इन्होंने गलतियां तो बहुत बड़ी गलती की। गिरिराज सिंह राहुल गांधी की लोकसभा सदस्यता जाने पर यह भी कहा कि उन्होंने कोर्ट का अपमान किया है, चूंकि सूरत कोर्ट ने राहुल गांधी को माफी मांगने के लिए समय दिया था, मगर उन्होंने अपने अहंकार में माफी नहीं मांगी है। गिरिराज सिंह ने कहा कि आज राहुल गांधी अपने ही किए हुए फल भुगत रहे हैं। दरअसल सदन में इन्होंने जो अध्यादेश फाड़ा था वो यही बिल था। ये तो कोर्ट का अपमान है, कोर्ट ने सजा दी है, कोर्ट ने उन्हें मोहलत भी दी माफी मांगने के लिए। इन्होंने अहंकार में माफी नहीं मांगा तो कोर्ट ने सजा कर दी, और आज अपने ही किए हुए का फल भुगत रहे हैं। जब सदन के अंदर बिल को फाड़ा था, यही बिल था,